मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम हैंड पर्स स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने हैंड पर्स स्टिच किया है। देखिए, इस साइड से हम इसको ओपन करेंगे और इसमें हमने देखिए 6 पॉकेट्स दी हैं कार्ड्स रखने के लिए। सारी पॉकेट्स में अपने कार्ड्स को देखिए ऐसे इजली सेट करते हुए रख सकती हैं। और हमने एक ओपन पॉकेट इसकी बैक साइड में दी है। इस साइड भी अपना कोई भी सामान इस पॉकेट में सेट करते हुए रख सकती हैं। और 2 हमने देखिए जिप से इस साइड पॉकेट्स दी हैं। दोनों पॉकेट को ओपन करेंगे। इस साइड देखिए अपना कोई भी सामान इस पॉकेट में सेट करते हुए इसको देखिए ऐसे लॉक कर दीजिए जिप से। और इस साइड भी इस पॉकेट में भी सामान को देखिए इसमें सेट करते हुए इसको भी यहाँ से लॉक कर दीजिए। और इसको हम देखिए मैग्नेट से साइड से लॉक कर देंगे। और इसकी बैक साइड में भी एक जिप से पॉकेट दी है, इसको भी ओपन करेंगे। इस साइड भी अपना सेल फोन है, मनी है, कुछ भी सेट करते हुए इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए। ये हैंड पर्स काफ़ी यूज़फुल है फ्रेंड्स। इस हैंड पर्स को स्टिच करना बहुत ईजी है फ्रेंड्स। इस हैंड पर्स को स्टिच करने के लिए हमने 1/2 मीटर से भी कम मेन फैब्रिक और 1/2 मीटर से भी कम हमने लाइनिंग फैब्रिक यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, इस पर्स को हमने लेदर फैब्रिक से स्टिच किया है, बट आप इसको क्विल्ट करके भी स्टिच कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोज़ में कोई भी हैंड बैग, ट्रेवल बैग या कोई भी बैग पसंद आ रहा हो तो आप मेरे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके उस बैग को परचेज कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा हैंड पर्स पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज हम ये हैंड पर्स स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। हैंड पर्स बनाने के लिए हमने 8.5x12 का देखिए एक मेन फैब्रिक लिया है फ्रेंड्स। ये हमने लेदर फैब्रिक लिया है, बट आप इसको क्विल्ट करके भी स्टिच कर सकती हैं। तो हमें 8.5x12 का एक मेन फैब्रिक लेना है। और ये हमने 7.5x8.5 का देखिए एक मेन फैब्रिक लिया है। 7.5x8.5 का हमें एक मेन फैब्रिक लेना है। ये हमने 4.5x8.5 का देखिए एक प्लेन पीस लिया है। 4.5x8.5 का हमें एक प्लेन पीस लेना है। और ये हमने 8.5x8.5 का एक प्लेन पीस लिया है। 8.5x9.5 का हमें एक प्लेन पीस लेना है। 8.5x9.5 का हमें एक प्लेन पीस लेना है। ये हमने 8.5x10 का एक प्लेन पीस लिया है। 8.5x10 का हमें एक प्लेन पीस लेना है। और ये हमने 8.5x18 का एक प्लेन पीस लिया है। 8.5x18 का हमें एक प्लेन पीस लेना है। ये हमने 7 इंच की देखिए 3 जिप ली है। और तीनों में हमने देखिए 1.5 इंच के फैब्रिक को लेते हुए दोनों साइड से स्टिच करके जिप को लॉक कर दिया है। तो हमें 7 इंच की 3 जिप लेनी है और तीनों में हमें सिंगल लेना डालना है। और ये हमने 1 इंच की पाइपिंग ली है फ्रेंड्स। अगर आप फैब्रिक से बैग स्टिच कर रही हैं तो आप इसको 1.5 इंच की पाइपिंग लीजिएगा। अगर आप लेदर फैब्रिक से स्टिच कर रही हैं तो 1 इंच की ये पाइपिंग लीजिएगा। तो हमें 1 इंच की ये पाइपिंग लेनी है। और ये हमने 2 मैग्नेट्स लिए हैं। 2 हमें मैग्नेट्स लेने हैं। सबसे पहले हम 7.5x8.5 का ये मेन फैब्रिक लेंगे और इसकी हम देखिए बैक साइड में आएंगे। ये 8.5 का साइड है और ये 7.5 का साइड है। तो हम देखिए 7.5 की साइड में इस साइड यहाँ पर 1.5 इंच में मार्क करते हुए ऐसे हम यहाँ पर सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए 1.5 इंच पे डाउन करते हुए सीधे मार्क कर लिया है। और ऐसे इस साइड आएंगे और इस साइड भी 1.5 इंच पे डाउन करते हुए हम सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए 1.5 इंच पे डाउन कर लिया है। अब जो हमने ये मार्क किया है इसको हम देखिए मार्क वाली लाइन से इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से हम कट कर लेंगे। मार्क वाली लाइन से हमने देखिए दोनों साइड से कट कर लिया है। और अब देखिए इसमें से हम एक पार्ट को लेंगे और इसको पहले ऐसे फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का कट लगा लेंगे। इसमें हमने सेंटर का कट लगा लिया है। और अब हमें 8.5x10 का ये प्लेन पीस लेना है और ये हमें 7 इंच की जिप लेनी है। और इसमें हमने देखिए 1.5 इंच के फैब्रिक को लेते हुए दोनों साइड से स्टिच करके जिप को लॉक कर दिया है। तो अब देखिए फैब्रिक वाले पार्ट को देखिए एक साइड में ऐसे सेट करते हुए इसमें जिप में हम दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लेंगे। और
जिप में हमने देखिए सेंटर का कट लगा लिया है, और ऐसे ये प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे। और अब देखिए इस जिप को हम इस फैब्रिक के ऊपर ऐसे रखेंगे, सेंटर के कट से मिलाते हुए हमें सेट करना है, और ये हम प्लेन पीस लेंगे। प्लेन पीस को हम जिप के ऊपर से सेट करते हुए सेंटर के मार्क से देखिए मिलाते हुए हम सेट करेंगे और सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। प्लेन पीस और जिप को हमने देखिए मेन फैब्रिक में अटैच कर दिया है, और अब हम देखिए प्लेन पीस को ऐसे बैक साइड में करते हुए प्रेस करेंगे और फ्रंट साइड में आएंगे, और इस साइड हम दाग सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे। दाग सिलाई देते हुए साइड में देखिए सीधे स्टिच कर लिया है, और अब देखिए प्लेन पीस को इस साइड भी ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें हम सेंटर का कट लगा लेंगे, और इस फैब्रिक को भी देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे। दोनों साइड से हमें इसमें कट लगाना है। इस फैब्रिक में हमने दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लिया है, और अब देखिए इस प्लेन पीस को हम देखिए बैक साइड से ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए सेंटर के कट से मिलाते हुए इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमें ऐसे सेट करना है और प्रेस करना है, और अब देखिए ऐसे हम फ्रंट साइड में आएंगे। देखिए सेंटर के कट से हमें मिलाते हुए रखना है, और इस फैब्रिक को लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे। जिप का राइट साइड और इस फैब्रिक का राइट साइड दोनों एक साइड में होगा, और सेंटर के कट से मिलाते हुए इसको हम सेट करेंगे और एक पिन लगा लेंगे। अब तीनों पार्ट्स को देखिए सेट करते हुए हम सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे, और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाग सिलाई दे देंगे। जिप की दूसरी साइड में हमने देखिए इस फैब्रिक को स्टिच कर लिया है, और इसमें हमने देखिए दाग सिलाई दे दी है, और अब देखिए जो प्लेन पीस का इस साइड से उस साइड से ओपन पार्ट है इसको हम ऐसे सीधे स्टिच करते हुए इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए प्लेन पीस को स्टिच करके लॉक कर दिया है, और अब देखिए प्लेन पीस को ऐसे हम अपर की साइड में ऐसे सेट करेंगे, और 7 इंच की ये दूसरी जिप लेंगे, और 8.5x9.5 का ये हम प्लेन पीस लेंगे, और जिप में हमने दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लिया है, और प्लेन पीस में भी हमने देखिए 8.5 की साइड में सेंटर का कट लगाया है। और अब देखिए इस पार्ट में हम सेंटर के कट से मिलाते हुए और रनर का डायरेक्शन देखिए एक साइड में होना चाहिए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिप को हम देखिए ऐसे सेट करेंगे सेंटर के कट से मिलाते हुए, और इस प्लेन पीस को हम देखिए इसके ऊपर ऐसे सेट करते हुए पहले हम देखिए पिनअप कर लेंगे, और इसको भी हम देखिए सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे, और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाग सिलाई दे देंगे। जिप और प्लेन पीस को लेते हुए साइड भी हमने देखिए स्टिच करके अटैच कर दिया है, और इसमें हमने देखिए दाग सिलाई दे दी है। देखिए प्लेन पीस को अपर की साइड में ऐसे करते हुए हमें इसमें दाग सिलाई देनी है, और अब देखिए जिप की दूसरी साइड में इस फैब्रिक को अटैच करेंगे, तो पहले हम देखिए इसको फोल्ड करके इसमें सेंटर का कट लगाएंगे। इसमें हमने देखिए सेंटर का कट लगा लिया है, और 4.5x8.5 का ये प्लेन पीस लेंगे, और प्लेन पीस को भी देखिए फोल्ड करते हुए इसमें भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे, और इस फैब्रिक को हम देखिए जिप के सेंटर के कट से मिलाते हुए ऐसे सेट करेंगे, और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को हम बैक साइड में ऐसे रखेंगे। देखिए पहले प्लेन पीस के कट को जिप से ऐसे मिलाते हुए सेट करेंगे, इसके ऊपर हम इस फैब्रिक को सेट करते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे, और इसमें भी हम देखिए सीधे स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे, और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाग सिलाई दे देंगे। इस जिप में भी हमने देखिए मेन फैब्रिक और प्लेन पीस को लेते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है, और अब देखिए जो प्लेन पीस है इसको हम ऐसे करेंगे, और इसके ऊपर हम ये वाला पार्ट टर्न कर लेंगे, और इस साइड हम सीधे स्टिच करके इसमें हम दाग सिलाई दे देंगे। इस साइड भी हमने देखिए दाग सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लिया है। देखिए ये जो प्लेन पीस है दोनों प्लेन पीस को अपर की साइड में करते हुए हमें इसमें दाग सिलाई देनी है, और इस प्लेन पीस को देखिए इस साइड हमें डाउन करते हुए दाग सिलाई देनी है, और अब देखिए इस साइड से इस साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए कट कर लिया है, और अब हमें 8.5x18 का ये प्लेन पीस लेना है, और ये प्लेन पीस का राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, तो राइट साइड की साइड में हम देखिए इस साइड यहाँ पर 2 इंच पे डाउन करेंगे। ऐसे डाउन करते हुए हम सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए 2 इंच पे डाउन कर लिया है, और अब देखिए इस पॉइंट से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे इस साइड से, और इस साइड से दोनों साइड से हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। दोनों साइड से देखिए हमने मार्क कर लिया है। अब इस पॉइंट से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, और इस पॉइंट से भी 1/2 इंच पे ऐसे हम मार्क कर लेंगे,
और अब देखिए ये जो हाफ इंच मार्क किया है इस पॉइंट से हम अपर की साइड में यहाँ पर 3.5 इंच फिर से मार्क करेंगे और इस साइड से भी देखिए हाफ इंच में जो मार्क किया था उस पॉइंट से हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और अब इस पॉइंट से फिर से हम हाफ इंच में मार्क करेंगे और इस साइड भी हम हाफ इंच पे फिर से मार्क कर लेंगे और अब देखिए जो हाफ इंच मार्क किया है इस पॉइंट से हम 3.5 इंच फिर से मार्क कर लेंगे। मैंने मार्क किया और इस साइड से भी 3.5 इंच में मार्क कर लेंगे और अब देखिए फ्रेंड जो हमने 2 इंच मार्क किया था इस साइड से इस फैब्रिक को ऐसे लेते हुए पहले हम ऐसे प्रेस कर लेंगे और 3.5 इंच वाले मार्क पे ऐसे मिलाते हुए सेट करेंगे और यहाँ पर ऐसे प्रेस कर लेंगे और अब ये हाफ इंच में जो मार्क किया था इस पॉइंट से हम देखिए इस फैब्रिक को ऐसे लेते हुए 3.5 इंच वाले मार्क पे ऐसे मिलाते हुए ऐसे सेट करेंगे और ऐसे प्रेस कर लेंगे और अब देखिए फिर से जो हमने हाफ इंच मार्क किया था इस पॉइंट से हम देखिए इस फैब्रिक को लेते हुए ऐसे फोल्ड करते हुए तो 3.5 इंच मार्क किया है इसमें ऐसे मिलाते हुए सेट करेंगे और प्रेस कर लेंगे और इस साइड हम पिनअप कर लेंगे दोनों साइड से। पिन से हमें देखिए दोनों साइड से इसको सेट कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड इस पॉइंट से हम फिर से एक बार और हाफ इंच में मार्क कर लेंगे इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से इस साइड भी हाफ इंच मार्क करना था। दोनों साइड से हमने देखिए हाफ इंच पे इस पॉइंट से मार्क कर लिया है और अब देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें हम सेंटर का मार्क लगाएंगे। इस साइड हमने देखिए यहाँ पर सेंटर का मार्क लगा लिया है और अब पहले हम यहाँ पर डबल स्टिच करते हुए सारी पॉकेट्स को सेंटर से लॉक कर देंगे। सेंटर में डबल स्टिच करते हुए पॉकेट्स को हमने देखिए लॉक कर दिया है और अब देखिए हम पिन को ओपन कर लेंगे और जो हमने ये हाफ इंच मार्क किया था इस साइड से हम देखिए फैब्रिक को ऐसे टर्न कर लेंगे और ऐसे हम प्रेस कर लेंगे और अब हमें ये वाला पार्ट लेना है जिप वाला और सारे प्लेन पीस को देखिए ऐसे अपर की साइड में कर लेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे बैक साइड में। ये राइट साइड है देखिए राइट साइड अंदर की साइड में ऐसे सेट करते हुए प्लेन पीस को हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। अब देखिए इसको ऐसे टर्न करेंगे और इस साइड हम प्रेस करते हुए इस फैब्रिक को ऐसे फ्रंट साइड में टर्न कर लेंगे। ऐसे टर्न करते हुए प्रेस कर लेंगे और दोनों साइड से पहले हम पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए सेट कर दिया है। फ्रेंड्स देखिए ये जो प्लेन पीस है ये सारे प्लेन पीस अपर की साइड में होंगे और इन दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे सेट करते हुए इस साइड स्टिच करेंगे और इस साइड यहाँ पर दाब सिलाई देते हुए ऐसे स्टिच करके हम इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए दोनों साइड से स्टिच करके लॉक कर दिया है और अब देखिए हम बैक साइड जाएंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है प्लेन पीस का दोनों साइड से इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को दोनों साइड से कट कर लिया है। अब देखिए ये जो प्लेन पीस है इसको हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और थोड़ा सा ये प्लेन पीस देखिए थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हुए इस मेन फैब्रिक के साथ में देखिए ऐसे सेट करते हुए प्रेस कर लेंगे। ये हमने प्रेस किया और ये जो प्लेन पीस है इसको भी हम देखिए ऐसे डाउन कर लेंगे और फ्रंट साइड में आएंगे और अब देखिए इस साइड से हम स्टिच करके दोनों प्लेन पीस को इस फैब्रिक में अटैच कर देंगे। इस साइड स्टिच करके हमने देखिए इस पार्ट को प्लेन पीस पे देखिए अटैच कर दिया है। इस प्लेन पीस पे हमने देखिए इस पार्ट को अटैच किया है और ये कार्ड्स वाली पॉकेट देखिए यहाँ पर अटैच हो गई है। सारी 3 पॉकेट्स देखिए इस साइड से हैं और 3 पॉकेट्स कार्ड्स के लिए इस साइड से, यानी 6 पॉकेट्स इसमें अटैच हो गई हैं। और अब हमें 8.5x12 का ये मेन फैब्रिक लेना है और इस फैब्रिक में हमने देखिए सेंटर का मार्क करके 1 इंच पे डाउन करते हुए ब्रॉच को अटैच कर दिया है और जिस साइड से हमने देखिए ब्रॉच अटैच किया है उस साइड से हम यहाँ पर 4 इंच पे डाउन करेंगे। ऐसे डाउन करते हुए हम सीधे मार्क कर लेंगे। 4 इंच पे डाउन करते हुए साइड हमने देखिए सीधे मार्क कर लिया है। अब जो हमने ये मार्क किया है इसे हम कट कर लेंगे। मार्क वाली लाइन पे हमने देखिए इस फैब्रिक को कट कर दिया है और अब हमें 7 इंच की ये तीसरी जिप लेनी है और 8x8 का ये प्लेन पीस लेना है और इस जिप में भी हमने दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लिया है और इस प्लेन पीस में भी हमने दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लिया है। अब इस पार्ट को भी देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे।
इसमें भी हमने सेंटर का कट लगा लिया है। और अब देखिए जिप को हम सेंटर के कट से मिलाते हुए ऐसे सेट करेंगे और प्लेन पीस को हम इसके ऊपर जिप के ऊपर देखिए सेट करते हुए यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। अब इस पार्ट को भी हम देखिए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाग सिलाई दे देंगे। इस साइड भी हमने देखिए जिप और प्लेन पीस को स्टिच करके अटैच कर दिया है और इसमें हमने देखिए दाग सिलाई दे दी है। और अब देखिए ये जो प्लेन पीस है इसको हम ऐसे जिप की दूसरी साइड में सेट करेंगे और फ्रंट साइड में आएंगे। और ये जो दूसरा पार्ट है इसको हम देखिए इस साइड से पहले फोल्ड करके इसमें सेंटर का कट लगा लेंगे। और अब देखिए इस पार्ट को हम जिप के ऊपर ऐसे सेट करेंगे। सेंटर के कट से मिलाते हुए तीनों पार्ट्स को हम पहले पिनअप करेंगे और इस पार्ट को भी हम देखिए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाग सिलाई दे देंगे। इस फैब्रिक को भी हमने देखिए स्टिच करके अटैच कर दिया है और इस पर हमने देखिए दाग सिलाई दे दी है। और ये जो प्लेन पीस है अब इसको हम इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके लॉक कर देंगे। तो हम देखिए इस साइड से ऐसे स्टिच करते हुए दोनों साइड से हम इसको लॉक कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए सीधे स्टिच करते हुए पॉकेट को देखिए लॉक कर दिया है और पॉकेट हमारी इस साइड यहाँ पर स्टिच हो गई है। इसको हम देखिए लॉक कर देंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने दोनों साइड से कट कर लिया है और अब देखिए इस साइड आएंगे और इस साइड हम यहाँ से देखिए 2 इंच पर डाउन करेंगे। ये हमने देखिए डाउन किया और इस साइड से हम यहाँ पर 1 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे। जो हमने 2 इंच पे डाउन किया है उस साइड हम देखिए यहाँ से 1 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। ये देखिए ये 1 इंच पे मार्क किया और ये इस साइड से हमने 2 इंच पे डाउन किया। और ऐसे इस साइड भी हम पहले 2 इंच पे डाउन करेंगे। ये हमने 2 इंच पे डाउन किया और इस साइड से 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्क कर लिया। यहाँ पर हमें मैग्नेट्स अटैच करना है। देखिए हमने 2 मैग्नेट्स लिए थे, इसमें से हम देखिए एक एक पार्ट को ओपन कर लेंगे। एक जैसे मैग्नेट्स हमें इस साइड यहाँ पर अटैच करने हैं। तो हम पहले पेंच को रखते हुए देखिए 1 इंच पे जो हमें इस साइड से डाउन किया है और 2 इंच पे डाउन किया है, दोनों पॉइंट्स पे ऐसे सेट करते हुए पहले हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद दोनों साइड में हम मैग्नेट को अटैच कर देंगे। दोनों मैग्नेट्स को हमने देखिए बैक साइड से लॉक कर दिया है और मैग्नेट देखिए यहाँ पर अटैच हो गया है। और अब देखिए ये वाला पार्ट लेंगे जिसको भी हमने स्टिच किया था और इस पार्ट को हम इसके ऊपर देखिए इसको हम ऐसे सेट करेंगे और इसके ऊपर ये वाला पार्ट सेट करते हुए पहले हम पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है और अब देखिए ये हम इस साइड आएंगे और ये हम पाइपिंग लेंगे। ये हमने 1 इंच की पाइपिंग ली है। फ्रेंड्स अगर आप फैब्रिक से इस पर्स को स्टिच करेंगे तो आप 1.5 इंच की पाइपिंग लीजिएगा। तो इस पाइपिंग को हम देखिए ये जो ओपन पार्ट है इसको हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और फ्रंट साइड में ऐसे फोल्ड करते हुए सीधे स्टिच करके स्टिच लाइन को हम यहाँ से पाइपिंग से कवर कर देंगे। पाइपिंग को देखिए फोल्ड करते हुए साइड हमने स्टिच करके लॉक कर दिया है और अब देखिए इस पार्ट को हमें ऐसे फोल्ड करना है। तो पहले हम पिन को ओपन करेंगे और ये जो स्टिच लाइन है इस साइड से हम देखिए इस पार्ट को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए पिनअप करेंगे साइड से और इस साइड से भी हम पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए इस फैब्रिक को सेट कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम 3 साइड से स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। इस पार्ट को हमने देखिए यहाँ से स्टिच करते हुए ऐसे स्टिच करके अटैच कर दिया है। देखिए ये पार्ट यहाँ पर अटैच हो गया है और इस साइड अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो ये कॉर्नर पे हम देखिए हल्का सा यहाँ पर शेप दे देंगे। इस साइड हमने देखिए शेप में कट कर लिया है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड में भी इसी शेप में हम कट कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए शेप में कट कर लिया है और अब देखिए फ्रेंड जो हमने इस साइड यहाँ पर स्टिच किया है इस स्टिच लाइन को हमें ओपन करना है। यहाँ पर हमें मैग्नेट अटैच करना था तो पहले हम स्टिच लाइन को ओपन कर लेंगे। इस स्टिच लाइन को हमने देखिए इस साइड से ओपन कर लिया है और अब देखिए ये जो मैग्नेट्स हैं मैग्नेट्स में हम पहले यहाँ पर चौक लगा लेंगे साइड से और इस साइड से दोनों साइड से हम चौक लगा लेंगे। और इस पार्ट को हम देखिए इस साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें ऐसे सेट करते हुए हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे।
और इस साइड देखिए मैग्नेट का यहाँ पर मार्क हो गया है, ये एक मार्क हो गया है, एक मार्क इस साइड से, दोनों साइड से देखिए मैग्नेट का मार्क हो गया है। यहाँ पर हमें मैग्नेट का जो दूसरा पार्ट है दोनों साइड से अटैच करना है। तो पॉइंट पे हम ये पेंच रखेंगे ऐसे और पहले मार्क कर लेंगे, इसके बाद दोनों पॉइंट्स पे हम यहाँ पर मैग्नेट के दूसरे पार्ट को अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए मैग्नेट को लॉक कर दिया है और मैग्नेट यहाँ पर अटैच हो गया है। और अब देखिए जब इसको हम फोल्ड करेंगे, ये मैग्नेट इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से देखिए दोनों मैग्नेट्स लॉक हो जाएंगे। और अब हम इसको ओपन करेंगे और इस साइड से स्टिच करके इस ओपन पार्ट को लॉक कर देंगे। इस साइड से हमने स्टिच करके देखिए ओपन पार्ट को लॉक कर दिया है। और अब हम इस साइड आएंगे और ये हम पाइपिंग लेंगे, ये हमने 1 इंच की पाइपिंग ली है। तो पाइपिंग को देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए एक बार और देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे सेट करते हुए हम शेप में स्टिच करके स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे। पाइपिंग को देखिए फोल्ड करते हुए स्टिच करके हमने देखिए स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, पाइपिंग का थोड़ा सा देखिए एक्स्ट्रा पार्ट है इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हमें कट करना है। तो इस साइड से हम देखिए पाइपिंग के एक्स्ट्रा पार्ट को दोनों साइड से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पाइपिंग को हमने देखिए इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से देखिए कट कर लिया है और नीटली ये पार्ट देखिए रेडी हो गया हमारा। और अब देखिए ये हमारा हैंड पर्स बनके रेडी हो गया है। एक ओपन पॉकेट देखिए इस साइड से और एक ओपन पॉकेट हमारी इस साइड से आ गई है। और ये हमारी 6 पॉकेट्स काट सकने के लिए हैं और 2 जिप्स इस साइड यहाँ पर पॉकेट्स हैं। दोनों पॉकेट्स में देखिए अपने सामान को सेट करते हुए इसको देखिए ऐसे लॉक कर दीजिए और इस मैग्नेट से इसको देखिए इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से ऐसे लॉक कर दीजिए। और बैक साइड में भी हमारी एक जिप्सी पॉकेट आ गई है। फ्रेंड्स, ये पर्स काफ़ी यूज़फुल है, आप इसको जरूर स्टिच करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा हैंड पर्स पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।